किसी को पता चल गया तो कितनी बदनामी होगी, लोग कुतू करेंगे। औरतें घर का काम करने में ही शोभा देती हैं। बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ये सब मैं बाद में देखूंगी। अच्छा देखिए ना, इसका तो बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा है। कहा था तुमसे ना कि बाबू को अस्पताल में जाके प्रसव कराओ, पर तुमने मेरी एक न सुनी। पता है ऐसे समय में माँ और बच्चों को अस्पताल में होना कितना जरूरी होता है। नहीं जी, मर्द के हाथ प्रसव कराने में लाई जाती है, किसी भी अस्पताल में कोई महिला डॉक्टर है ही नहीं। उसका माता तो अंधार की तरह कब रहा है। ये देखो दादा, जल्दी से दादा जी को बुलाइए। ये तुम क्या कर रहे हो नंदी? भगवान की भभूति लगा रहे हैं। बस आनंदी बस। हेलो, बस आनंदी बस। ये अंधविश्वास होता है। आप यकीन तो कीजिए, इसका बुखार उतर रहा है और माथा भी ठंडा पड़ रहा है ना बाबू? दिखाओ दिखाओ। बाबू आंखें खोलो बेटा, देखो माँ तुम्हें बुला रही है। बाबू आंखें खोलो बेटा। क्या हो गया? मेरा बाबू आंखें क्यों नहीं खोल रहा है और हिल भी नहीं रहा है? आंखें खोलो बेटा। आनंदी, अब ये कभी नहीं उठेगा, ये हमेशा के लिए सो गया है।